वीरेंद्र सिरोही ने लीवर की बीमारी के चलते दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिरोही का पार्थिव शरीर बुलंदशहर स्थित आवास पर पहुंचा तो वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री सुरेश राणा, भूपेंद्र चौधरी, कपिल देव अग्रवाल, अशोक कटारिया समेत कई मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने पुष्प चक्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वीरेंद्र सिंह सिरोही की मृत्यु अपूर्णीय क्षति है। पार्टी का हर कार्यकर्ता वीरेंद्र सिरोही के संकल्पों को उनके परिजनों के साथ मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेगा। विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक होने के साथ एक जिम्मेदार नेता थे। उनका दिवंगत होना पार्टी की कपूरी क्षति है। चुप दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।